नमस्कार साथियों, आज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर पे बात होगी। फ्रेडरिक टेलर एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हुआ है। ये अमेरिका का एक विचारक था और विचारक तक क्या, ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर हुआ करता था, और लेकिन इनकी रुचि वास्तव में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस बात पर थी कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल जगत में, औद्योगिक जगत में जो अफरा तफरी मची हुई थी और एक प्रकार से बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन हुआ करता था, तो इनकी चिंता ये थी कि क्यों न इसका स्वरूप वैज्ञानिक किया जाए, और इन्होंने उसको वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को कुछ अपने सुझाव रखे, कुछ प्रस्ताव रखे, कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और यह प्रतिपादन इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की नामक पुस्तक जो थी ये 1911 में प्रकाशित हुई, और उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन था, बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो कि एकदम से उस ज़माने के लिए बिल्कुल नई थीं, और बल्कि इतनी नई थीं कि उस ज़माने में इसका बड़ा विरोध किया गया, और यहाँ तक कि अमेरिका की संसद में तो कुछ ऐसे कानून पास किए गए कि टेलर के द्वारा जो प्रस्तावित सुझाव थे उस पर कोई अमल न कर सके। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े प्रतिरोध को झेलते हुए फिर भी इन्होंने अपना अभियान जारी रखा, और इसीलिए फ्रेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। और आज जितने भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जितने भी प्रबंधन के क्षेत्र में आप सुधार देखते हैं, उन सभी सुधारों का सूत्रपात कहीं ना कहीं हमको 1911 में से टेलर के इस पुस्तक में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिखाई देता है। वास्तव में जो प्रबंधन परंपरागत रूप से था, उस प्रबंधन में बेसिकली कुछ ऐसी बात थी कि प्रबंधक अपने को कुछ सुपीरियर मानते थे, और वो जो एक्चुअली संगठन में जो श्रमिक होते हैं उनसे अपने को काट के रखे, और उनके ऊपर एक बॉसी होने का उनके अंदर जैसे वो था, भाव था, तो वो कभी उनमें इन्वॉल्व नहीं होते थे और उनको केवल आदेश देते रहते थे या दंडित करते रहते थे। और इसको टेलर ने माना कि ये एक बहुत बड़ा अवरोध है, और उन्होंने बताया कि प्रबंधन के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनको पूरे इस व्यवस्था में, प्रबंधन की व्यवस्था में मजदूरों को उनके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनके प्लानिंग में, उनको कंट्रोल करने में, उनको डायरेक्शन देने में बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो आज हम लोग उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और ये लोग प्रशासन में बड़ा इम्पॉर्टेंट पहला थिंकर माना जाता है फ्रेडरिक टेलर, कि आखिर फ्रेडरिक टेलर ने अपनी पुस्तक में क्या ऐसी बात कही कि उसको उस वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता के रूप में कहा जाता है। और ये वैज्ञानिक प्रबंधन आज के भी युग में इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमको चाहे अपने घर का प्रबंधन करना हो, चाहे ऑफिस का प्रबंधन करना हो, चाहे समाज में किसी संगठन का प्रबंधन करना हो, अपने व्यवसाय में कोई प्रबंधन करना हो, हमें इस प्रबंध के सूत्र की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस थिंकर को समझना, इस विचारक के बातों को समझना। इस प्रबंधक को समझने के लिए मैंने चार टुकड़ों में इसको, इसके चिंतन को विभाजित किया है, या इनकी पुस्तक में जो बातें कही हैं उसमें वैज्ञानिकता के जो सूत्र हैं उनको चार खंडों में मैंने विभाजित किया है। जो पहला खंड है वो हमें बताता है कि फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में टेलर ने क्या बातें कही। दूसरा खंड ये बताता है कि उन्होंने किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तीसरा खंड ये बताता है कि उन्होंने कौन सी विधियाँ अपनाई वैज्ञानिक प्रबंधन की। और चौथा खंड ये बताता है कि उन्होंने कौन से टूल्स का प्रयोग किया, कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया, जिससे कि वो वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति करने का अपना नया स्थान बनाया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेलर के चिंतन में वैज्ञानिक प्रबंधन की क्या बात थी, कौन सी ऐसी बात थी कि हम कह सकते हैं कि वो उसके दार्शनिक दृष्टि से उसने पूरे वैज्ञानिक प्रबंधन में एक क्रांति कर दी। पहली चीज़ तो ये थी कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो उस समय हुआ, जो प्रबंधन उस समय औद्योगिक जगत में हुआ करते थे, उस प्रबंधन में कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। और सबसे उसमें जो ख़ास बात थी कि जो लोग भी प्रबंधन करते थे उनकी उसमें विम्स और फैंसीज चलती थी, अर्थात
उन्होंने कहा कि ये ठीक है तो वो ठीक है, अगर उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन कोई ये उनसे पूछने वाला नहीं था कि जो विधि आप पालन कर रहे हैं, जिस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, जो तरीके आप अपना रहे हैं प्रबंधन के, वास्तव में उसका आधार क्या है, उसका रैशनल क्या है, कोई उनसे क्वेश्चन करने वाला नहीं था। और इसलिए थंब रूल चलता था कि अर्थात जो चीज़ चल रही है ट्रेडिशनली वो चल रही है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, चूँकि बॉस ने कह दिया, चूँकि सुपरवाइजर ने कह दिया, चूँकि प्रबंधक ने कह दिया, तो वो चीज़ चलनी है। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे घरों में, बहुत सारे संगठनों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बॉस ने जो कह दिया वही सही है, टेलर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए उसने कहा कि थंब रूल को हमें सबसे पहले डिस्कार्ड करना है और ये देखना है कि क्या किसी काम को करने की कोई सर्वोत्तम विधि होती है कि नहीं होती है, और अगर किसी काम को करने की कोई सर्वोत्तम विधि होती है तो क्यों ना हम उस विधि का चयन करें, थंब रूल को हम डिस्कार्ड करते हैं। और उससे इन्होंने बताया कि पूरे संगठन के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, अर्थात हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं साहब हम केवल वर्कर्स को ही ठीक करेंगे, हमें ये भी देखना होगा कि हम वर्कर्स को भी ठीक करें लेकिन इसके साथ साथ हम प्रबंधकों को भी ठीक करें। तो टेलर में जो बहुत खास बात है टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि उसने प्रबंधकों को भी सुधार के दायरे में लाया, उसने प्रबंधकों को भी कहा कि आपको भी वैज्ञानिक प्रबंधन में सहभागिता करने की जरूरत है, आपके ऊपर भी नकेल कसे जाने की आवश्यकता है, केवल वर्कर के ऊपर ही नकेल कसे जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए उसने कहा कि दो चीज़ों की बहुत खास जरूरत है कि आप लोगों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मैनेजमेंट में और वर्कर्स में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। टेलर ने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट की जगह हमको कोऑपरेशन लाना चाहिए, और जब हम कोऑपरेशन लाएंगे तो इससे हमारे आउटपुट और एफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे संगठन में कि ये प्रबंधक है और वर्सेस वर्कर चलेगा, तो जितने भी औद्योगिक घराने डूबे हैं या जितने भी औद्योगिक ऑर्गेनाइजेशंस डूबे हैं, उसकी एक बहुत मूल कारण रहा है कि उसमें जो है प्रबंधन में और श्रमिकों में टकराव रहा है। तो टेलर ने कहा कि हमें टकराव छोड़ के कोऑपरेशन का रास्ता अपनाना चाहिए, इससे जो बहुत बड़ा अंतर आएगा वो ये होगा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी, अर्थात क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी मशीन की कैपेसिटी 100% है और मान लीजिए वो 60% पे चल रही है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि हम उसकी प्रोडक्ट कैपेसिटी बढ़ा के 60 से 65, 70, 75, 80, 85 हम जितना उसको निकट ले जा सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के, वहाँ तक कैसे ले जाएं। और इस प्रकार से हमारी पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट और हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट की सारी मशीनें ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर सकें, इसके लिए प्रबंधकों में और वर्कर्स में एक कोऑपरेशन होना बहुत जरूरत है। इससे क्या होगा कि साइज ऑफ द केक बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसमें सबका शेयर बढ़ेगा, सबकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, सबका बोनस बढ़ेगा, सबको लाभांश मिलेगा, सभी का फायदा होगा। तो दिस वॉज ए काइंड ऑफ ए मेंटल रेवोल्यूशन इन अमेरिका इन द 20th century, और सब लोगों को यह लगा कि भाई वास्तव में ये तो जो बातें कह रहे हैं पता नहीं इसमें कितनी दम है, लेकिन फिर भी टेलर डटा रहा अपनी बातों पे और उसने कहा कि हमें इसको करना ही पड़ेगा। उसने इंश्योर किया कि उसके कम से कम संगठन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हों। तो एक फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन पहले टेलर ने ये किया कि उसने पूरे इंडस्ट्री में कोऑपरेशन का एक माहौल डेवलप किया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का माहौल डेवलप किया, थंब रूल डिस्कार्ड करने का माहौल डेवलप किया, हर चीज़ को वैज्ञानिक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की और कहा कि इससे हम जो एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, साइज ऑफ द केक बढ़ाएंगे, जिससे कि सबका लाभ होगा। तो ये एक फिलोसॉफिकल चेंज था जो कि हमको वैज्ञानिकता का संकेत देता है टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये तो दर्शन की बात हो गई कि ये एक ओवरऑल दार्शनिक बात कही टेलर ने, उनके कौन से ऐसे सिद्धांत थे कि टेलर ने, जिसको कि हम वैज्ञानिक सिद्धांत कह सकते हैं, कि टेलर ने किन वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। टेलर ने कम से कम 4 वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला सिद्धांत तो उसका ये था कि लेट अस डेवलप ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात किसी संगठन में हम अफरा तफरी या रूल ऑफ थंब या ट्रेडिशनल ढंग से, कन्वेंशनल ढंग से अगर काम करते रहे तो हो सकता है कि काम होता रहे, लेकिन दैट इज़ नॉट द साइंटिफिक वे ऑफ, तो लेट अस फाइंड आउट कि किस काम को करने की सबसे अच्छी वैज्ञानिक विधि क्या है। और उसका उसने कहा कि इसको कैसे समझा जाए, इसको हमें इसमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बाकायदे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा कि जो काम कोई भी का, हजारों काम होते हैं किसी भी संगठन में, हर काम का एक बेस्ट तरीका हो सकता है उसको करने का, क्या वास्तव में वो बेस्ट तरीका हम अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं।
रहे हैं, तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मार्च टूवर्ड द डिस्कवरिंग ऑफ ए साइंटिफिक ट्रू साइंटिफिक वर्क कल्चर एंड ट्रू साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ वर्क, तो वो हमें पालन करना पड़ेगा। ये आगे चल के R&D को इसने तमाम ऑर्गेनाइजेशन में जन्म दिया। आज आप जानते हैं कि दुनिया भर के जितने भी संगठन हैं उस हमेशा उसमें R&D चलता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता रहता है, और जो आज है उससे और बेहतर प्रोसेस, उससे बेहतर मशीनें, उससे बेहतर ह्यूमन रिलेशंस, उससे बेहतर वर्क कल्चर बनाने की हमेशा कोशिश की जाती है। तो द क्रेडिट गोज टू फ्रेडरिक टेलर। दूसरी चीज़ उसने कहा कि जितने भी लोग संगठन में काम करते हैं पुराने ज़माने में, वो मैनेजर ने कह दिया जी आप आ जाइए, मालिक ने कह दिया जी आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, आपने ज्वाइन कर लिया, आपको ना कोई आता है ना कोई जाता है ना आपकी कोई ट्रेनिंग हुई, तो दूसरा सिद्धांत उसने ये प्रतिपादित किया कि नोबडी शैल बी इंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन अनलेस ही क्वालिफाइज ऑन सर्टेन साइंटिफिक पैरामीटर्स। अर्थात अगर आप में कोई वैज्ञानिक योग्यता, अगर कोई योग्यता है जो वैज्ञानिक रूप से ये निर्धारित है कि किसी काम को करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को क्रॉस करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकेगा। उतना तो मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए, और इससे जो फिजिकल डेवलपमेंट है और जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है वो दोनों वर्कर की दे विल बी अंडर टेस्ट। वेदर यू आर ए वर्कर और वेदर यू आर ए मैनेजर डजंट मेक ए डिफरेंस, बोथ हैव टू बी टेस्टेड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये उसने कहा कि ये नहीं कि साहब मालिक ने कह दिया जी आज ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी ज्वाइन कर दो, नोबडी विल बी इंडक्टेड ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीबडी विल हैव टू गो थ्रू अ स्क्रीनिंग। आज आप देखते हैं कि दुनिया भर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आ जाओ जी ज्वाइन कर लो, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन और वट एवर रिटन एग्जामिनेशन, और तभी जाके उसका सिलेक्शन होता है। तो द क्रेडिट गोज टू फ्रेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तीसरा चीज़ उसने बहुत इंपॉर्टेंट ये कही कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्ट्रक्चर, एक पैरामेडिकल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड के रूप में उसका स्ट्रक्चर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऊपर पतला और नीचे उसका चौड़ा बेस हो जाता है, लेकिन इसका ये तो नीचे ज़्यादा लोग होते हैं ऊपर कम लोग होते हैं, मैनेजीरियल पोजिशंस पे कम लोग होते हैं, वर्कर लेवल पे शॉप फ्लोर पे ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि साहब वर्क का लोड जो है दैट शुड बी लॉपसाइडेड। उसने कहा कि नहीं, देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में वर्क का डिवीजन बराबर होना चाहिए और तभी उनमें कोऑपरेशन हो पाएगा। और इस प्रकार से ये चार सिद्धांत किसी भी संगठन में अवश्यम भावी है और उसमें अवश्य लागू होना चाहिए, तभी जाके वो संगठन ठीक से ग्रो कर सकता है। तीसरी चीज तो दर्शन हो गया, साइंटिफिक वैज्ञानिक सिद्धांत हो गए। अब आइए देखिए कि उसने वैज्ञानिक विधियां कौन सी अपनाई कि अच्छा ठीक है इन दर्शन और सिद्धांतों को लागू करने के लिए हम जो व्यावहारिक इस धरातल पे हम कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियां अपना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट विधियों का समावेश उसने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में किया। और सबसे पहले उसने तो ये बताया कि भाई देखिए हर वर्कर की एक फिजिकल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है और उसके अमाउंट ऑफ वर्क को नापा जाएगा। एवरी वर्कर विल बी सपोज टू डू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑन ए डेली बेसिस, और इसका जो अध्ययन है वो बाकायदा करने के लिए टाइम स्टडी होगी, मोशन स्टडी होगी और फटीग स्टडी भी होगी। अर्थात कि कोई काम कोई वर्कर कितने समय में ऑप्टिमम उसको करना चाहिए, ये नहीं कि किसी काम को आपको लेकर घंटे बैठे हुए हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो, ए सर्टेन वर्क हैज टू बी डन विद इन ए सर्टेन मिनिमम पीरियड और वो आपको कट ऑफ पालन करना पड़ेगा, है ना। ये देखा जाएगा कि उस किस स्टेप पे आप हैं और आपके द्वारा जो स्टेप किया जाना है उसमें कितना समय लगना है, इसकी बाकायदा मोशन स्टडी होगी और एक ऑप्टिमम तय किया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि इस काम को इतने समय में हो ही जाना चाहिए और इस काम को करने वाले व्यक्ति को कितनी देर में थकान आनी चाहिए ताकि उस थकान का भी कुछ अलाउंस रखा जाए। लेकिन ओवरऑल आपका दिन भर का जो तरीका होगा काम करने का, आउटपुट का, दैट विल बी डिटरमिंड कि आपको डेली इतना काम तो करना ही है, नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम दैट, दैट इज वन। सेकंड थिंग कि उसने ये कहा कि साहब रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम होना चाहिए। आज देखिए दुनिया भर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी की बात छोड़ दीजिए, वो काम करें ना करें वेतन उनका तय है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में देर इज एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वर्क दैट यू आर सपोज टू डू पर डे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हम जो है आज साहब इतना काम करेंगे और कल उतना काम करेंगे। नो, योर वर्क इज डिफाइंड एंड यू हैव टू डू दैट मच। इफ यू डोंट डू दैट मच देन यू आर पेनलाइज्ड, और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ये भी एक चीज़ है कि जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनको रिवार्ड भी मिलता है। तीसरी चीज़ जो इसने बताई कि वैज्ञानिक विधि हमको क्या अपना
आना चाहिए कि हर चीज़ का हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल हमको रखना पड़ेगा, कि हम ये नहीं कि रद्दी सद्दी कोई भी रॉ मटेरियल चला आ रहा है तो फिर आगे का तो सब गड़बड़ हो ही जाना है। टूल्स हमको स्टैंडर्डाइज करने हैं कि व्हाट आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द टूल एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ द टूल्स दैट वी रिक्वायर फॉर हैंडलिंग द जॉब। उसमें उससे सब स्टैंडर्ड पर हम नहीं जाएंगे। वर्किंग कंडीशंस को भी लेकर उसने कहा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि वर्कर्स एकदम बोगस कंडीशन में काम कर रहे हैं और आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे साहब वो बहुत अच्छा आपको उत्पादन दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वर्कर की जो वर्किंग कंडीशन होगी उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन होगा। तो आज ये दुनिया भर में स्टैंडर्डाइजेशन हैज़ बिकम अ ऑपरेटिंग नॉर्म। कोई भी अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्कर्स के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन, बेस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स, रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आज लागू किए हुए हैं। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने लागू की साइंटिफिक मेथड के रूप में, वो ये किया कि पहले क्या होता था कि एक वर्कर पे एक सुपरवाइज़र होता था, अब ये एक वर्कर पे एक वर्कर को दसियों चीज़ें करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि सुपरवाइज़र को एक चीज़ आती हो, दस चीज़ें ना आती हो, और तब वो सब वर्क सफ़र करता था। तो इसके लिए फ्रेडरिक टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट फ्लोट किया और उसने कहा कि साहब फंक्शनल फोरमैनशिप में वन वर्कर विल बी सब्जेक्ट टू एट सुपरवाइजर्स, अर्थात एक वर्कर के ऊपर आठ सुपरवाइज़र होंगे, आठ प्रकार के सुपरवाइज़र होंगे और उनका सबका काम अलग होगा। जैसे कि एक रूट क्लर्क होगा जो बताएगा कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का रूट क्या होता है, दूसरा बताएगा कि इंस्ट्रक्शनल कार्ड सिस्टम क्लर्क होता है जो कि बताएगा कि संगठन में अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को लेकर किस तरीके से आपको हल करना है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज होगा कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शनल कार्ड। आप उस सुपरवाइजर के पास जाइए, वो आपको समस्या का समाधान बताएगा। तीसरा बताएगा कि किसी वर्कर के द्वारा टाइम और कॉस्ट क्लर्क होगा सुपरवाइजर जो कि बताएगा किसी वर्कर के द्वारा कितना काम किया गया, कितनी देर में किया गया और उसका कॉस्ट डिटरमिन करेगा कि व्हाट इज द वेजेस दैट ही हैज टू बी पेड दैट डे। चौथा सुपरवाइजर शॉप डिसिप्लिनेरियन होगा। पांचवा गैंग बॉस होगा जो कि सुपरवाइजर करेगा प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क एटसेट्रा पे। छठवां सुपरवाइजर स्पीड का सुपरवाइजर होगा जो आपको यह बताएगा कि वास्तव में कितनी ऑप्टिमम स्पीड पे कोई मैक्सिमम स्पीड पे कोई मशीन काम करेगी और कितने कम से कम स्पीड उससे नीचे नहीं होनी चाहिए उतने पर मशीन काम करेगी। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं कि प्रोडक्शन या मिनिमम कैपेसिटी, वो भी तय करेगा कि जो आपका स्पीड बॉस होगा, एक रिपेयर बॉस होगा कि कोई ख़राबी आती है किसी मशीन में वो उसको ठीक करेगा, और एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी होगा जो कि ओवरऑल क्वालिटी प्रोडक्शन को देखेगा। तो ये तमाम जो है टू उसने मेथड्स डिवाइस किए कि ऐसा करेगा, और उसने कुछ साइंटिफिक टूल्स भी डिवाइस किए। चौथी चीज़ जो उसने बताई कि भाई हम साइंटिफिक टूल डिवाइस करेंगे और इसमें हम स्टॉप वॉच का सहारा लेंगे। स्टॉप वॉच का सहारा लेके हम देखें कि आपने वर्क किया, मान ली 10 बार आप चाय पीने जाते हैं, 10 बार किसी से मिलने जाते हैं, तो देयर विल बी ए स्टॉप वॉच विल बी स्टॉप्ड एंड यू विल बी इंश्योर्ड कि आपको 8 घंटे में आपने कितनी बार 2 घंटे वेस्ट किया, इधर उधर चाय पानी पीने में, बाहर जाने में, वॉशरूम जाने में, किसी से बात करने में, रेस्ट करने में, लंच करने में, कितना समय आपने जो है अपना आज जाया किया है ये देखा जाएगा स्टॉप वॉच से। सो एवरी वर्कर विल बी मॉनिटर्ड थ्रू ए वॉच स्टॉप वॉच कि आज उसने कितना काम किया है, ज़्यादा किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है तो ही विल बी पेड, कम किया है तो पेनलाइज्ड। ये तमाम चीजें उसमें लगाई उसने। दूसरी चीज उसने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा, डिफरेंशियल रेट कटिंग सिस्टम रखा उसने, कि अर्थात उसने बताया कि देखिए इसका कैसे हम रिवार्ड और पनिशमेंट देंगे। उसने कहा कि हम काम करने वाले के ऊपर, मान लीजिए कि किसी को घड़ियों का उत्पादन करना है, असेंबली करनी है आपको किसी चीज़ की, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है 25 घड़ियों का असेंबली आज एक दिन में आपको करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बनाया गया कि 25 घड़ियों का अगर आप उत्पादन करते हैं, असेंबली करते हैं, तो आपको 5 रुपये के हिसाब से पर असेंबली दिया जाएगा, और अगर आप 25 की जगह 24 करते हैं तो आपका रेट 4 रुपये लगेगा उत्पादन का। अब सोचिए ये कितनी बड़ी एक प्रकार से इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव है कि अगर 25 घड़ियों का उत्पादन आपने किया
और एक भी घड़ी कम हो गई तो आपका एक रुपया रेट कट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 25 घड़ियों का उत्पादन करते हैं, असेंबली करते हैं, तो आपको 125 रुपये मिलेंगे, और अगर आपने 24 घड़ी का उत्पादन किया तो केवल आप 96 रुपये पर अटक जाएंगे, क्योंकि आपको 4 रुपये के रेट से पेमेंट होगा। तो कोई भी वर्कर उसके सामने एक लॉलीपॉप लटका दिया गया कि साहब जो है आपको इतना काम तो करना ही है, इतना असेंबली घड़ियों का तो करना ही है, नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे। और इसलिए डिफरेंशियल रेट सिस्टम से रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम फाइनेंशियली तय किया गया, देयरफॉर नो वर्कर विल लाइक टू बी पेड लेस पर डे। हर आदमी सोचता था कि भाई हम जो है स्पीडली काम करें, अच्छा काम करें, क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन है और टाइम का भी आपका मैनेजमेंट ठीक हो गया, तो इससे भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और अगली चीज़ उसने बताई कि इंस्ट्रक्शनल कार्ड सिस्टम अफ्लोट किया, कि वर्कर अक्सर ऐसा होता था कि मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अपने सुपरवाइज़र के पास दौड़े, सुपरवाइज़र है नहीं है, किसी दूसरे काम में व्यस्त है या वो बॉस ही है, तो टाइम भी वेस्ट होता था और मशीन सफ़र करती थी, वर्क सफ़र करता था, प्रोडक्शन सफ़र करता था। तो इसने कहा, फ्रेडरिक टेलर ने कहा कि नहीं भाई, अब एक ऐसा करते हैं कि जितनी भी संभावित समस्याएँ इस पूरे यूनिट में आ सकती हैं उस सबके लिए कार्ड बना देते हैं कि इस समस्या का ये समाधान, इस समस्या का ये समाधान। हर समस्या आपको किसी सुपरवाइजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इंस्ट्रक्शनल कार्ड के पास जाइए, जो आपकी प्रॉब्लम है लिस्ट है उसे कैटलॉग में से फट से प्रॉब्लम देखिए, उसका सलूशन देखिए, बजाय इसके कि सुपरवाइजर आपको बताए, खुद आपको इंस्ट्रक्शनल कार्ड आपको बता देगा। इस प्रकार से आपने देखा कि फिलोसॉफी के आधार पर, प्रिंसिपल्स के आधार पर, मेथड्स के आधार पर, टूल्स के आधार पर, हर जगह फ्रेडरिक टेलर ने एक प्रकार से साइंटिफिक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिस कंपनी में वो काम करता था, बेथलेहम स्टील वर्क्स, उसको एक वर्ष में $75,000 से लेके $80,000 उस समय बचे। सोचिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कितनी बड़ी रकम हो सकती है एक वर्ष में किसी कंपनी के लिए, और तमाम जो वेस्टेजेस होते थे वो मिनिमाइज हो गए, चीज़ों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होने लगा, वर्कर्स की कंडीशन बेटर हो गई, वर्क कल्चर बेटर हो गया और R&D की शुरुआत हो गई। और इस प्रकार से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अचीव हुई वो ये अचीव हुई, भले ही इसकी आलोचना की जाती है कि इस ओवरऑल अप्रोच में टेलर ने एक प्रकार से वर्कर को मशीन मान लिया, वर्कर को इकोनॉमिक मैन के रूप में ट्रीट किया जो कि केवल पैसे के लिए काम करता है, और इसका हर तरह से विरोध हुआ। ये इत्तफाक की बात है कि टेलर ने जिस समय ये बात कही, वर्कर्स ने भी विरोध किया, मैनेजर्स ने भी विरोध किया, क्योंकि मैनेजर्स की भी उसने इम्पॉर्टेंस कम कर दी कि अब पीपल दे डोंट हैव टू गो टू द मैनेजर, दे हैव जस्ट टू गो टू इंस्ट्रक्शनल कार्ड सिस्टम एंड गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो क्यों अपने मैनेजर के पास जाएंगे, वो सीधे इंस्ट्रक्शनल कार्ड के पास जाते हैं। तो भले ही बहुत सारे इसमें चीज़ें आलोचनात्मक थीं कि यूनियंस ने अपोज किया, वर्कर्स ने अपोज किया, मैनेजर्स ने अपोज किया, सब ने अपोज किया, सरकार ने अपोज किया, लेकिन अल्टीमेटली आज की तारीख में हम देखते हैं कि जितनी बातें फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की रखी थी, दे ऑल हैव बीन एक्सेप्टेड ऑल द over, and therefore we call Frederick Taylor the father of scientific management. Thank you very much.